वहीं उत्तराखंड उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, उपचुनाव के लिए दिग्गजों का नामांकन, बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बड़हाना ने नामांकन किया है। मौके पर सीएम रावली समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। इसके साथ साथ आपको बता दें, मंगलौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी है बड़हाना और यहां पर उपचुनाव को लेकर के नामांकन पर्चा दाखिल किया है उन्होंने। इसके साथ साथ आपको बता दें किस तरीके से यहां पर रुख है और जो तमाम जो सीट्स है जहां पर उपचुनाव देवभूमि में होना है, इसको लेकर कि यहां पर ये दो तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर दिग्गजों का नामांकन हुआ है, दो सीट्स जहां पर उपचुनाव, और ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है। सीएम धामी उनके साथ मौके पर नजर आए थे और दूसरी तस्वीर भी देखिए, मौके पर धन सिंह रावत मौजूद रहे दूसरे प्रत्याशी के नामांकन के दौरान। ये दो तस्वीर बेहद अहम है उपचुनाव का ये रण। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद क्योंकि ये चुनाव हो रहा है तो इससे भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्या उसका असर भी इस पर होने वाला है। करतार सिंह बड़हाना ने पर्चा दाखिल किया है। वहीं दूसरी तस्वीर, मौके पर धन सिंह रावत बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे होंगे, सीएम धामी नजर आए करतार सिंह बड़हाना के नामांकन दाखिल करने के दौरान। और इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर राजेंद्र भंडारी की, जहां पर देखिए किस तरीके से नामांकन दाखिल करने के लिए राजेंद्र भंडारी पहुंचे हुए थे, उनके साथ नामांकन के लिए धन सिंह रावत भी नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है और विकास के आधार पर ही हम लोग वोट मांगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के अनुसार और उनका जो विजन है उसके अनुसार पूरे राष्ट्र को मजबूती की ओर ले जाना है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और दूसरे में ऐसा है कि सरकार हर स्तर पर काम कर रही है, चाहे दलित है, चाहे पिछड़े हैं, चाहे गरीब हैं, हर के लिए उत्थान के लिए काम कर रही है और हम लोग भी उस पर अपना काम करेंगे।